हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की। पहले सरकारी खजाने से पैसे निकलते थे और कांग्रेस के नेता उनके पूज्य पिताश्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है गांव जाते जाते 15 पैसे हो जाता है। जरा मैं पूछने चाहता हूं, तब तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कोई पार्टी दूसरी नामो निशान नहीं था। उस समय ये रुपया निकलता था घिसता 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 15 पैसे हो जाता था। ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की व्यवस्था थी कि रुपये से 15 पैसा पहुंचे, 85 पैसों का खेल लोगों के जेब में चला जाए, दलालों के पास चला जाए, माफियाओं के पास चला जाए। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस पर बल दिया और उसका परिणाम यह हुआ जो लाभार्थी थे, किसी को विडो पेंशन हो, किसी को ओल्ड एज पेंशन हो, किसी नौजवानों को स्कॉलरशिप का मसला हो, दलितों को सुविधाओं का मसला हो, दिव्यांगजनों को व्यवस्थाएं देने का काम हो, सारी चीजें हमने सीधी बैंक खाते में जमा करना शुरू किया। आधार के साथ उनका वेरिफिकेशन किया और परिणाम क्या आया मालूम है? लाखों की तादाद में ऐसे नाम पाए गए जो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ लेकिन सरकारी दफ्तर में पैसे कमा रहा था।